अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम को अब तक के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक माना जा रहा है, बल्कि यूं कहें कि महज दो माह के आसपास ही देश में दूसरी बार दिवाली का आगमन होने जा रहा है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तमाम राजनेता सामाजिक संगठन रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जश्न पूरे भारत में मनाने जा रहे हैं। छोटी काशी कही जाने वाली जयपुर में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अपने समर्थकों के साथ एक रैली का आयोजन किया। 550 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरे देश में ये माहौल है, ये भगवान राम का जैसे स्वागत हो रहा हो उस तरह से ये जज्बा है लोगों का अपने सनातन धर्म के प्रति। दिवाली का माहौल है, जैसे भगवान राम पधारे थे उस तरह से ये स्वागत हो रहा है पूरे भारत में, और हर वर्ग हर समाज इसमें शामिल हो रहा है। राजनेताओं के साथ ही प्रदेश के सामाजिक संगठन भी इस महोत्सव को लेकर काफी उत्साहित हैं। राजस्थान की श्री क्षत्रिय करणी सेना ने भी इस मौके पर एक रैली का आयोजन कर रामलला के आगमन की खुशियों को प्रदेशवासियों से साझा किया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत ने कहा कि भगवान राम के आगमन पर सभी 36 कौमों को एकजुट होकर उनका स्वागत करना चाहिए। जय श्री राम। कल 22 तारीख को भगवान लला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। बुराई पे बुराई की हार हुई है और सच्चाई की जीत हो रही है। मैं शिव सिंह शेखावत आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि कल जोर शोर से और दीपावली की तरह अपन सब लोग 22 तारीख को मनाएंगे, और आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि हम भगवान राम के वंशज हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में दिवाली सा माहौल है। कहीं पर दीपदान की तैयारी है तो कहीं पर रिहायशी और धार्मिक भवनों को करीने से सजाया जा रहा है। बाजारों में नवम्बर के बाद एक बार फिर से आतिशबाजी के लिए पटाखों की दुकान सज चुकी है। श्री राम के स्वागत को लेकर पूरे देश में एक ऐसा कौतूहल वाला माहौल बन पड़ा है जैसे श्री राम फिर से अवध की धरा पर जन्म लेने वाले हैं।